दोस्तों ये एक बड़ा सा डम देखने को मिला है। इसके बाद जो है लोगों के अंदर एक पैनिक माहौल बन रहा है और वाकई में होना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ा कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या अब यहां से डंप ही होगा? क्या नेक्स्ट टारगेट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या इसके अंदर होने की आशंका है? वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है और बिल्कुल सही दोस्तों लवली नू की रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली। तो मेक श्योर वीडियो को जो एंड तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट वीडियो फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर चार्ट को ड्रॉ करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये एक सपोर्ट बनाया था, है ना, ये एक सपोर्ट बनाया था और इसमें कोई भी शक नहीं है कि भैया ये जो है सपोर्ट जो है ना, ये कई बार, एक मिनट, जस्ट इसको डिलीट करता हूँ, ये सपोर्ट जो है कई बार यहाँ पर देखने को मिला। पहले एक रेजिस्टेंस का काम किया है, ब्रेक करके ऊपर गया, दो कैंडल बना है, यहीं से सपोर्ट लिया है, फिर ये ऊपर गया है ना। ऊपर जाने के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो 48,750 का राउंड गया है, फिर यहां से जो है डंप होना स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट यहां पर फिर से ले रहा है। मे बी इससे नीचे भी चला जाए, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहीं पे रहेगा, यहीं पर से बाउंस बैक होगा, मे बी इसके और नीचे भी चला जाए, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन रहेगा यहां से बाउंस बैक करने का, क्योंकि पहले भी हो रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये सिनेरियो देखो, जब यहां से ये पंप किया, थोड़ा सा करेक्शन बनता है, पंप किया बहुत ऊपर गया, फिर यहां पर करेक्शन, चार कैंडल चार दिन तक नीचे की तरफ आता रहा, ये एक बड़ा स्पाइक जो है नीचे की तरफ लिया, जो कि भाई 70 को ऐड कर दिया था, 83 का राउंड यहां पर बाइंग हुई, फिर यहां पर इसको जो है ना, जो हमने पहले से ही चार्ट को ड्रॉ कर रखा था कैंडल लाइन, यहां पर इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, देन दोस्तों यहां पर से फिर कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, एक यहां पर फिर से जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा करेक्शन मोड में आया है, फिर ऊपर, क्योंकि ये एक हेल्दी चीज होता है, करेक्शन लेना भी बहुत जरूरी है किसी भी कॉइन को अगर ऊपर जाना है तो। मुझे लगता है मे बी ये भी एक करेक्शन हो सकता है, मे बी नीचे भी आ सकता है, बट हमने यहाँ पर 25 से 28 के अराउंड जो है ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, जो इस रेंज के अराउंड है ना, इस रेंज के अराउंड हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो हमें क्या टेंशन है यार, अगर नीचे भी आ जाएगा तो नहीं फर्क पड़ता, अगर ऊपर चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमने 5000 का नेक्स्ट टारगेट को सिलेक्ट कर रखा है और मैं वेट करूंगा। अगर आपने अभी तक 28-25 के बीच में नहीं प्रॉफिट बुकिंग किया है तो आप कर सकते हैं, अगर आपने बहुत नीचे लिया है तो जहां पर हमारी बाइंग है कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अगर आपने कर रखा है तो अभी कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर गया है, 5000 का हम वेट करेंगे, क्योंकि न्यूजेस भी आ रही है, होल्डर्स भैया 586 देख सकते हो, इथेरियम के ऊपर बढ़ रहा है, बीएससी के ऊपर तो भैया 95,000 क्रॉस कर चुका है, ये नहीं है, बिल्कुल होल्डर बढ़ रहा है, लोग इसके आई थिंक ऊपर जो है अपना डाउट खेल रहे हैं, हालांकि न्यू बाइंग तो मैं मना कर रखा हूँ कि मत करना, देख सकते हो भैया काफी सारे होल्डर्स, न्यू होल्डर्स आए हैं और ट्विटर के ऊपर भी भाई काफी चीजों को लेकर डिस्कशन चल रहा है, काफी हाइप बनाने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हो भैया $100 का यहाँ पर जो है 10 विनर्स के रूप में यहाँ पर डिसाइड होगा और ये गिव अवे चला दिया। इसके साथ साथ शिवा आर्मी अब भाई लवली नू बाय करने लगा, 1,54,000 देख सकते हो भाई प्रमोशन है और ये जो है ना काफी ज्यादा जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रमोशन के अंदर जो है ना छा चुका है, तो इसी को देखते हुए ये चीजें हो रही है। इमिरेक्स एक्सचेंज ने भी लिस्टिंग अनाउंसमेंट कर दी है, वजीरेक्स इमिरेक्स टूबिट ये तीन एक्सचेंज ने लिस्टिंग अनाउंस कर दी है 2nd of anniversary का, जो 15 लिस्टिंग होने वाला है, लेकिन 12 एक्सचेंज बचे हुए हैं, मे बी इसमें क्वाइन बेस हो सकता है, मे बी इसमें क्रैकन हो सकता है, मे बी इसमें बनांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, और बहुत से स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं कि हमने बाई किया। हमारे पास दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, दोनों ही रास्ते हैं भाई, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर रखा है, अगर यहाँ से डंप भी हो जाएगा तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, 11% से अभी डंप है, अगर पंप हो जाएगा तो फायदा है, तो इसलिए मैं बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आप सबसे करवाता रहता हूँ ताकि हमें प्रेशर ना हो। नीचे भी अभी आया तो मुझे प्रेशर नहीं है क्योंकि हमने प्रॉफिट बुकिंग कर रखा है भाई, जो नहीं किया उसको ना टेंशन होगा, हमने तो कर रखा है,
और यही चीज होती है, और ऐसे ही करना भी चाहिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। हमें पता है इस कॉइन का क्या पोटेंशियल और कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से डाउन आ सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी दोनों ही बन सकती है दोस्तों, यहाँ से इसका हाइप खत्म होकर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है, पहले भी ये कर चुका है। जब लास्ट टाइम में भी दोस्तों यहाँ पर हाइप बनाने की कोशिश किया था, लिस्टिंग जब होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर से डंप आ गया, और जब तक हाइप बना हुआ था लिस्टिंग का तब तक जो है खूब पंप किया और उसके बाद डंप कर गया। मे भी हो सकता है यहाँ पर जो है ये ऑल टाइम हाई को ना बीट करे, यहीं पर से नीचे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने प्रॉफिट बुकिंग कर रखा है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रखा है, तो ये फायदा होता है ना। नीचे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर जाए तो और भी बड़ी बात है, और भी अच्छी बात है भाई, हम और भी प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे। 5 उसके बाद 10 डिलीट होने के बाद दैट्स इट, देखते कहां तक जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग दोस्तों कहां तक जा सकता है लवली न्यू फाइनेंस? मेक श्योर अपना ओपिनियन भी जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट मैच कितना है, गुड बाय।